चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां इलाहाबाद उपचुनाव पर सियासी घमासान। अभय सिंह चौटाला ने अपने भाई ला को दी चेतावनी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने अपने ही बड़े चौटाला पर तीखा हमला बोला है। इसार में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अपने जन्मदिन के मौके पर अजय सिंह ने इसराना रैली में कहा था कि अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से हमारी वजह से चुनाव जीते हैं, अगर हम वहां पर प्रचार के लिए जाते तो अभय सिंह चौटाला चुनाव नहीं जीत पाते। इस पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर उनको खुद पर इतना गरूर है तो उचाना से इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर देख लेना चाहिए। इनको लगता है कि इलाहाबाद में उनकी पार्टी जजपा की कोई जगह है तो बस उनके पास अभय सिंह चौटाला के हराने का मौका है। अजय सिंह को इलाहाबाद से चुनाव लड़ना चाहिए। अभय सिंह ने जजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि इलाहाबाद के लोग जजपा का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं और हर दिन इनका अलग अलग जगहों पर स्वागत होता है। अभय सिंह का इशारा लगातार हो रही जजपा के विरोध की तरफ था। अभय ने कहा कि यह उपचुनाव सिर्फ कृषि कानूनों के पक्ष और विपक्ष में है। इलाहाबाद की जनता अपने वोट से इस बात का निर्णय करेगी कि ये कृषि कानून सही है या गलत। साथ में 3 अक्टूबर को इलाहाबाद के लोग पंचायत में फैसला ले चुके हैं। इसी पंचायत में फैसला लिया गया है कि अभय सिंह चौटाला ही इनेलो के उम्मीदवार होंगे। बड़े चौटाला आगामी जनरल चुनाव में ही अपने भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस और भाजपा पर बोलते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दोनों पार्टियों में कोई टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। परेरे चैनल के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।